नगर निगम के चुनाव पर भी टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी ने एक सर्वे किया है। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का दिल्ली में अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 146 से 156 सीटें मिलती दिख रही है इस वक्त, जबकि एनसीडी पर सत्तारूढ़ बीजेपी को 84 से 94 सीटें मिलने का इस वक्त अनुमान एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। कांग्रेस का हाल बहुत बुरा है और उसे महज 6 से 10 सीटों का अनुमान नजर आ रहा है, तो ये एनसीडी में बीजेपी को 11% वोट और बीजेपी के आंकड़े और आम आदमी पार्टी इस वक्त एनसीडी इलेक्शन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की जो सीटें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, महज 6 से 10 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। एनसीडी एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 84 से 94 सीट बीजेपी को मिल सकती है। हालांकि 8 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि किसका एग्जिट पोल यहां पर सटीक बैठता है।